Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग guys? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो हिंदी काउंटडाउन से है ये वीडियो आपको डराएगी लेकिन जान बचा सकती है. स्केरी एंड स्ट्रेंज स्नेक एनकाउंटर्स. ओके तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं. स्नेक्स तो चलो ये वीडियो देखते हैं. स्नेक्स एनकाउंटर कौन कौन से हैं देखते हैं, है ना. कैसे कैसे स्नेक से पाला पड़ा, क्या खतरा, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प वाली वीडियो होने वाली है ये. और स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे. सांप नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है. वजह साफ है. सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार पिछले दो दशक में अकेले भारत में ही 12 लाख लोग इनके जहर से अपनी जान गवा बैठे हैं. वैसे तो बहुत से जीव जानलेवा है लेकिन जिस प्रकार से ये हमारे आसपास आसानी से चुपचाप मिल जाते हैं वो इन्हें और भी खतरनाक बना देता है. आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर से सांपों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो वायरल हुए और जिनके बारे में जानकर दुनिया चौंक गई. नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना. महाराष्ट्र में जुलाई 2020 को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया. एक स्नेक कैचर ने पेट्रोल पंप के दफ्तर में जाकर 3 सांप छोड़ दिए. वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसको बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था. बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को इन्हें पकड़ने के लिए बुलाया गया तो मालूम पड़ा इनमें 2 जहरीले कोबरा और 1 धामन प्रजाति का सांप था. हे भगवान, कुछ ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के 2011 में घटा था जब शहंशाह हकूल नामक सपेरे ने गवर्नमेंट से अपने सांपों का रखरखाव करने के लिए जमीन की मांग की थी और प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा था. तब सरकार ने लोकल अथॉरिटीज को फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहा लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उनसे रिश्वत मांगी और मामला वहीं अटकाए रखा. तो गुस्से में उसने 3 पोटली जहरीले सांप वही कार्यालय में छोड़ दिए जिससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया. अकूल ने कहा कि मेरे पास इनको रखने के लिए जगह नहीं तो कहां रखूं? सही बात है यार, उनके लिए जगह तो दो. बता दें कि सांपों की मसीहा कहे जाने वाले हकूल की मौत सांप के काटने से ही जनवरी 2018 में हो गई है. वैसे क्या इन्होंने सही कदम उठाया था, क्या इनका गलत के खिलाफ वेनमस प्रोटेस्ट सही था? यार एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, ठीक है, उसको कोई तोड़ता है तो फिर इंसान अपने ऊपर काबू खो लेता है. के पुलिस स्टेशन में एपिचेट चुगोंग नाम का 45 वर्षीय दिव्यांग आदमी किसी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने आया था और वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहा था लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में मस्त रिंगता हुआ 6 फुट लंबा रेड स्नेक एंट्री लेता है और उसी शख्स की ओर बढ़ता जाता है. आदमी मुड़कर जैसे ही सांप को देखता है घबरा जाता है और घबराए हुए आदमी को देखकर सांप भी घबराकर उस आदमी पर हमला कर देता है. भले ही पहला हमला सांप ने किया था लेकिन वो आदमी भी हार नहीं मानता और अपने पैरों तले उसे दबाकर अपने हाथों से पकड़ लेता है जिसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है और सांप उन्हें देने की कोशिश करता है जैसे कोई सबूत थमा रहा हो और पुलिस वाला भी डर के मारे तुरंत उसे सांप को बाहर ले जाने के लिए बोलता है. वैसे तो रेड स्नेक जहरीले नहीं होते लेकिन पता नहीं ये उस आदमी की हिम्मत ही थी या उसे रेड स्नेक की पहचान थी जो उसने इतना साहस दिखाया. घटना चीन में घटी होती ना तो पक्का वो सांप पुलिस वालों के पेट में होता. ऐसी एक घटना 8 अप्रैल 2017 को थाईलैंड के एक साइबर कैफे में घटी जब कुछ लोग अंदर मौजूद थे और एक शख्स बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है. दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद एक कस्टमर यानी कि सांप उस पर जंप कर देता है और पैंट पर पकड़ बना लेता है और डरा हुआ शख्स दोबारा अंदर बौखलाकर भागता है और इसी दौरान वहां खड़े शख्स पर उछलकर किक भी कर देता है. पूरे कैफे में भगदड़ मच जाती है और एक जगह वो बेचारा किक खाया लड़का कराहते हुए साफ देखा जा सकता है और कैफे मालकिन 9211 उलटती है. बाहर लगे सीसीटीवी से पता चलता है जैसे ही लड़के ने दरवाजा खोला मात्र सेकंड भर में रेड स्नेक ने उस पर छलांग लगा दी थी और अंदर कोहराम मच गया. थाईलैंड में इस प्रकार के स्नेक ह्यूमन रिलेशन की लंबी हिस्ट्री है. 2017 में एक ही दिन फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट को 173 कॉल सांप से रिलेटेड आई थी जबकि फायर रिलेटेड सिर्फ 5 कॉल ही आई थी. इसी साल किम्बरली खान नाम के टिकटॉक अकाउंट से 8 वीडियोस की एक सीरीज टिकटॉक पर अपलोड की गई जो देखते देखते वायरल हो गई. इस वीडियो में दिखाई देता है कि 3 लोग एक वीरान पड़े घर के बरामदे में
पुराने स्प्रिंग मैट्रेस को चाकू से काटते हैं। जब मैट्रेस को वो पूरी तरह काट लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पूरी विकसित कोबरा सांपों ने अपना घर बना रखा है जो मैट्रेस में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिन्हें वो बारी बारी से पकड़ते हैं और पॉलीथीन में कैद कर लेते हैं। टिकटॉकर ने अपने मैट्रेस को हमेशा साफ रखने की हिदायत दी और बताया कि अगर वो कहीं से फट भी जाए तो उसे सील लें। सही बात, समय समय पर उन्हें चेक भी करते रहें, क्योंकि क्या पता आप जिस मैट्रेस के ऊपर लेटे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे अभी भी सांप रेंग रहा हो। वैसे आपको कौन सी स्नेक स्पीशीज सबसे खतरनाक लगती है उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और नए व्यूअर जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने घर में रह रहे कॉकरोचेस से परेशान हैं तो आपको थाईलैंड के सोमचाई सुपदंग से जरूर हमदर्दी होगी, क्योंकि जब वो मार्च 2018 की दोपहर को टेलीविजन देख रहे थे तो उन्होंने दीवार के पीछे से असामान्य आवाज सुनी। दीवार पर कान लगाया तो अंदर से आने वाली आवाज को सुनकर उछल पड़े और तुरंत उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिन्होंने प्लास्टर बोर्ड की दीवार तोड़कर वहां से करीब 15 फुट लंबा पाइथन निकाला। रेस्क्यू टीम के अनुसार जरूर ये बारिश से बचने के दौरान किसी गैप से यहाँ चला आया होगा। और हाँ, मिट्टी के घर में रहने वाले भी ध्यान दें, कोई भी छेद वगैरह हो तो उसे अच्छे से चेक कर लें या बच्चों को वहां उंगली न डालने दें, क्योंकि हो सकता है वहां जहरीला सांप ताक में बैठा हो। दुनिया भर में हर साल दर्जनों सांप टॉयलेट या फिर बाथरूम में पकड़े जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगल घटने और पानी की लगातार कमी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा सांप शहरों का रुख कर रहे हैं। सांप नमी में रहना पसंद करते हैं और टॉयलेट इस लिहाज से सबसे बेस्ट है। कभी ड्रेनेज लाइन से होकर तो कभी घर में घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाते हैं, इसलिए कभी मोबाइल में बिजी रहते हुए या गेम खेलते हुए सीधा जाकर टॉयलेट में मत बैठ जाना, वरना क्या पता सांप ऐसी जगह काट ले कि डॉक्टर को बताने में शर्म आ जाए। ये मजाक नहीं है, ऐसा दुनिया भर में कई लोगों के साथ हो सकता है। टेक्सास में पहले एक रटल स्नेक टॉयलेट में बैठा मिला और जब सांपों को पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स नॉथन हॉकिंग्स को बुलाया गया तो उन्होंने इसे पकड़ने के बाद पूरे घर को चेक करने का फैसला किया। जैसे ही घर के बेसमेंट को चेक किया गया सबके होश उड़ गए। कुल मिलाकर उन्हें वहां 45 जहरीले रैटल स्नेक मिले। वहीं सांपों के पेड़ से गिरकर छत पर आ जाने और वहां से बाथरूम या टॉयलेट में आ जाने के केसेस भी सामने आए। अगर आप भी घर पर LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी ले रहे हैं या काफी समय से कहीं LPG सिलेंडर रखे हैं तो सावधान हो जाइए। घर में टॉयलेट बाथरूम के बाद सिलेंडर सांपों के छुपने की प्रमुख जगह है, क्योंकि वहां इन्हें ठंडक मिलती है और आसानी से छुपकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, घर पर मौजूद गृहिणी सिलेंडर डिलीवरी लेते हुए या सिलेंडर चेंज करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। सिलेंडर का बेस जरूर चेक कर लें। ऐसा ही कुछ मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में देखने को मिला। यहाँ LPG गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के दौरान एक घर में सिलेंडर के निचले हिस्से में करीब 3 फुट का एक सांप पहुंच गया। सिलेंडर के निचले हिस्से में जैसे ही सांप दिखा पूरे घर में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में वन्य जीव संरक्षक डॉक्टर गोपी को सांप के बारे में जानकारी दी गई, जिन्होंने उसे वहां से बाहर निकाला। देश भर में ऐसे कई मामले हैं जब सिलेंडर के नीचे सांप पाया गया हो। भाई सिलेंडर यहाँ कितने दिन से रखा हुआ था जो जंग लग गई है उसमें, तभी ये पता चले कि उसमें कहीं सांप है। ओ माय गॉड, आपकी क्या हालत होगी खुद समझ सकते हैं। शरीर से पसीना छूट जाएगा या फिर दुर्घटना पक्की। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी देखने को मिला, जहां चलती रोड पर एक बाइक से अचानक जहरीला सांप निकल आया, जिसे देख शख्स चकरा गया। उसने घबराहट के चलते अपनी बाइक का हैंडल छोड़ वहीं खड़ा हो गया। इसके बाद किसी तरह हिम्मत करके वो बाइक मैकेनिक के पास गया। मिस्त्री ने बाइक की हेडलाइट को खोलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसमें फंसे जहरीले सांप को लकड़ी और डंडों की मदद से बाहर निकाला। हे भगवान, हे भगवान। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसी तरह कुछ इस महिला के साथ हुआ, जो स्कूटी लेकर काम पे निकल तो पड़ी लेकिन एक जगह रुकने पर इन्हें स्कूटी से आवाज आने लगी। गंदे स्कूटी तो रोक कर देखा तो सांप की पूंछ दिखी जो फिर गायब हो गई। लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर सागर को बुलाया तो देखिए सांप कोबरा निकला जो कहां छुपा बैठा मिला। यही हाल गाड़ियों का भी है, वहां छुपने के लिए उन्हें ज्यादा जगह मिल जाती है। ऐसा ही कुछ वाकया प्रतापगढ़ की सिविल लाइंस कॉलोनी के पास घटा, जब एक कार में एक बड़ा कोबरा घुस गया। कोबरा सीधे कार के इंजन में जा बैठा। इसकी सूचना स्नेक कैचर राजेश सुमन को दी गई। सुमन मौके पर पहुंचे और कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, देहरादून के SP की एम्बेसडर में भी एक जहरीला सांप घुस गया था, जिसे 6 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया।
स्नेक कैचर पदम सिंह राठौड़ के अनुभव के अनुसार सांप अधिकतर बाइक में फ्रंट लाइट पैनल, टंकी के नीचे, बैटरी पैनल या सीट के नीचे अधिकार के बोनट में। इसलिए आपके घर पर अगर कोई पुरानी बाइक, स्कूटी या गाड़ी खड़ी है तो उसे एक बार जरूर चेक कर लें, या रोजाना इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को चलाने से पहले एक सरसरी नजर जरूर डाल लें, और उसे चलाते वक्त किसी भी तरह की अलग आवाज को इग्नोर ना करें। माय गॉड, कैसे हेडलाइट्स से निकल आया बैठा हो। और हाँ, सुबह सुबह बंद आंखों से जॉगिंग या जिम जाने के लिए जूते पहनने वाले भी सतर्क हो जाए, क्योंकि जूते भी सांपों का अच्छा ठिकाना माना जाता है। इसलिए पैर डालने से पहले अंदर एक बार झांक ले या ठोक पीट कर जूता पहने। 5 बार मेरे जूते में मेंढक आ गया था भाई साहब, सांप तो नहीं आया। जनवरी 2013 में क्वांटास एयरलाइन के हवाई जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे से उड़ान भरकर आसमान में सफर शुरू ही किया था, पर तभी एक महिला ने, जो कि खिड़की तरफ बैठी थी, ने बाहर जहाज के विंग्स पर एक सांप को लटका देखकर हाय तौबा मचाते हुए बाकी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अलर्ट किया। जब ये ऑस्ट्रेलियाई जहाज अपने गंतव्य स्थान पपुआ पहुंचा, तब यात्रियों को पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा 10 फुट का सांप था, जिसे स्क्रब पाइथन कहते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरा वाकया 2016 में घटा, जब एरो मैक्सिको फ्लाइट में यात्रियों को ओवरहेड बैगेज डिब्बे से हरे रंग का सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। ओह माय गॉड। यात्रियों में से एक ने इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि जब सांप गिरने लगा तो उसने अपनी सीट बेल्ट को खोलकर जल्दी से उससे दूर हट गए। शुक्र है सभी ने सांप से अपनी दूरी बनाए रखी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान को इमरजेंसी में मैक्सिको सिटी में लैंड करवाया गया। बाद में जब प्लेन के एम्प्लॉयज ने इस बात की छानबीन की कि आखिर सांप प्लेन में आया तो कैसे आया, पर कोई ठोस बात सामने ना सकी। कुछ लोगों को हमेशा यह गलतफहमी रहती है कि उनका अपार्टमेंट ऊंचाई पर है या घर ऊंचा है, वहां सांप आ नहीं सकता है। लेकिन सांप या अजगर इतने कुशल होते हैं, उनको जरा सा भी घर्षण या जगह मिल जाए तो वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर आसानी से चढ़ सकते हैं। फिर चाहे ड्रेनेज लाइन से होकर सीधा टॉयलेट या बाथरूम में निकलना हो, या अपार्टमेंट्स में बाहर लगी पाइप की मदद से ऊपर जाना हो, या फिर दीवार पर भी अगर इन्हें थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो पूरी दीवार पर ये चढ़ सकते हैं। ऐसा करते कई बार इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। मतलब सांप तो एक बार शायद गिर भी जाए, लेकिन पाइथन तो कुंडली मारकर पकड़ बनाते हुए ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ने से लेकर घरों की दीवारों और सीढ़ियों के हैंड रील से होकर आसानी से ऊंचाई पर आपके घर में चढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने ऐसे ही 9 फुट लंबे पाइथन को अपने गैराज पर चढ़ते फिल्माया था। इसलिए कभी आपके घर की छत से सांप लटके मिले तो चौंकिए मत कि ये कहां से आ गए, क्योंकि दक्षिणी चीन के नानिंग शहर के एक बैंक में सुबह के समय मीटिंग चल रही थी, तभी एक बड़ा सा सांप छत से निकलकर कर्मचारियों के बीच आ गिरा। सांप इतना बड़ा था कि उसे देखते ही सभी कर्मचारियों के होश उड़ गए और सभी कमरे से बाहर भाग गए। घटनाएं और भी बहुत है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से ये खत्म करते हैं। लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ सांप निकले हैं भाई। टॉयलेट में मतलब सांप, सुबह सुबह आंख मलते हुए, उसके बाद जाके भैया तुम बैठ तो गए हो वहाँ अपना तशरीफ रख के, है ना, और लेकिन अगर सांप ने गलती से भी काट लिया वहाँ, अगर कोई गलती से आ गया तो लेने के देने तो पड़ेंगे ही, और साथ में डॉक्टर को भी बताने में शर्म आएगी कि भैया कहाँ काटा है। और परिवार के लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि ये नीला क्यों पड़ रहा है। खैर यार, जोक्स अपार्ट, ठीक है, लेकिन आई मीन यार, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर उनमें बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ कभी हिल डुल ना रही हो, ठीक है, जहाँ जहाँ रखी वहीं पे जू की तू रखी हुई हो, लाइक वो सिलेंडर देखो पता नहीं कितने टाइम से वहाँ रखा हुआ था, क्योंकि वो जंग का घेरा बना हुआ था, तो उसके नीचे सांप बैठ गया। वो नीचे होल होते हैं ना सिलेंडर के बेस में, उसमें गाड़ियों में, कितनी गंदी स्कूटी थी वो, मतलब भाई क्या है, तुम अपनी गाड़ियों को साफ नहीं रख सकते हो, और उसमें बैठ गया सांप गाड़ियों की हेडलाइट में। कभी कभी ऐसा होता है बरसात के टाइम में या फिर सर्दियों के टाइम में, हाइबरनेशन में जाते हैं सांप, तो उस टाइम में भाई जंगल तो अब रहे नहीं, क्योंकि इंसानों को अपने लिए बड़े बड़े फ्लैट चाहिए, है ना। या इंसानी प्रजातियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि और जानवरों के रहने की जगह ही नहीं बची है, तो वो तो भैया तुम्हारे घर में जगह ढूंढेंगे ही, है ना। तो
वही नतीजा निकल रहा है, इतने सांप। एंड मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, वो जो सांप था वो दीवार की जब सीलिंग पर चढ़ रहा है, वो जैसी डिज़ाइन बनी हुई वो उसी में अपने आप को फंसा के उसके बाद जा रहा है वहाँ पे। और सच बताओ यार, अगर इस टाइप के सांप आपके घर में निकले है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उन्हें मारिएगा मत प्लीज़। किसी स्नेक कैचर को बुला लीजिए, या अगर आपसे हो सकता है, ठीक है, अगर आप इतने जानकार हैं, बिना जानकारी के कभी भी सांप को हाथ मत लगाना। और अगर आप इतने जानकार हैं तो उन्हें किसी बॉटल में कैद करके फिर जंगल वंगल में कहीं खेत में छोड़ दो, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, ठीक है, तुम भी अपनी ज़िंदगी जी सको तो वो भी अपनी ज़िंदगी जी सके। जीव ही है वो भी, सिर्फ जब उनको खुद को ख़तरा मालूम पड़ता है तभी वो हमला करते हैं। वो देखा नहीं था वो पुलिस स्टेशन में, थाईलैंड के पुलिस स्टेशन में, कैसे वो सांप एकदम चुपचाप जा रहा था, मतलब उसी की तरफ जा रहा है लेकिन जा रहा था वो, ठीक, और उसका रिएक्शन देख के, उस आदमी का रिएक्शन देख के वो भी डर गया, इसलिए हमला कर दिया उसने। देखो, हर तरह के जीवों को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है ना। और मतलब लोग अक्सर करते हैं कि जान बचाने के लिए नहीं देखते हैं कि भाई उस टाइम दिमाग यार नहीं काम करता है ना, तो ऐसा होता है कि सांप को मार दो, है ना, जो भी खतरनाक जानवर है, जो जिसने तुम पे हमला किया उसे मार दो, उससे अवॉइड करने का जितना हो सकता है, ये रिक्वेस्ट है मेरी, जितना हो सकता है उसे अवॉइड करने का या उसे पकड़ने का तरीका ढूंढ लें। अगर नहीं कोई चारा रह जाता है तो भाई देखो, सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है ना। तो बस यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो और मेरे रिएक्शन दोनों पसंद आए होंगे, मुझे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी, किसी भी सांप को मारा नहीं गया है ना, किसी भी सिचुएशन में किसी भी सांप को मारा नहीं गया, उन्हें सिर्फ पकड़ के छोड़ दिया गया स्नेक कैचर्स को बुला के, ठीक है, तो वो सबसे अच्छी बात लगी, द गुड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो है ना। तो अगर आप लोग को इस वीडियो का या फिर इसी टाइप की अलग अलग जानवरों का वीडियो का रिएक्शन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं लेके आऊँगी इसका रिएक्शन भी, ठीक है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।